फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की मुंडेरा मंडी में चल रही मतगणना के दौरान हूटिंग शुरू हुई और इसी दरमियान कह सकते हैं काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया। वहां पर पहले बीएसपी से बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और वहीं कुछ देर बाद सपा कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझे हुए नजर आए। इस दरमियान कह सकते हैं कि वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो थोड़ी देर के लिए बिगड़ गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के हल्के बल प्रयोग के बाद कह सकते हैं पूरे परिसर में सन्नाटा पसर गया और इसके बाद दोबारा काउंटिंग शुरू हो पाई। जब बवाल शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद काउंटिंग को रोक दिया गया था और कहा गया था जब तक बवाल शांत नहीं हो जाता इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी जाएगी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रयागराज के डीएम और चुनाव अधिकारी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन एजेंट है अनूप, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक पटेल के साथ में हाथापाई की गई है और कुछ वो हूटिंग आदि के विषय को लेकर उनमें हाथापाई हुई है। तुरंत हमारी पुलिस टीम सक्रिय थी, उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में लिया। लगभग 10 मिनट के लिए काउंटिंग रुकी थी, वो दोबारा हमने स्टार्ट करा दी है और इसमें हम बहुत त्वरित रूप से विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें प्राथमिकी दर्ज होगी और माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है और इस प्रकार का आचरण बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और सख्ती से तो हम लोग निपटेंगे। वो पुलिस टीम अभी दबिश दे रही है, जैसे ही वो पकड़े जाएंगे फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लगभग 20 राउंड की काउंटिंग हमारी 20 के आसपास राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई थी, आगे अब काउंटिंग शुरू हो गई है, वो डेटा हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने ये कहा था कि अगर इस प्रकार का आचरण कोई करता है तो निश्चित रूप से उसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन हमारा संवेदनशील पूरा परिसर होता है और जब हम लोग काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट बनाते हैं तो उन सबको किस प्रकार का आचरण उनका होना चाहिए उसके बारे में ज्ञान होता है, पर उसके बाद में भी अगर इस प्रकार की वो वहाँ पे हाथापाई होंगे और इलेक्शन की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। काउंटिंग पीसफुली चल रहा था, अराउंड 20 राउंड का हो गई, ऐसे बीजेपी कैंडिडेट आया दीपक पटेल, उनके साथ 2-3 लोग आया, वो अंदर काउंटिंग का देखने के लिए अंदर गए थे। उस समय कुछ हूटिंग टाइप में वो जीतने का कैंडिडेट का, वो हूटिंग के कारण से कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ वो है बीएसपी का कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट इधर अनूप सिंह, वो कुछ हाथापोई कर दिया, वो अभी भाग रहा है इधर से, इसी कारण थोड़ा 10 मिनट का चुनाव काउंटिंग रुका था, उसके बाद अभी शुरू हो गई। हमारे पास इसी घटना का पूरी इसका वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज सभी है, हम इसमें चेक करके कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रासुका की बात भी हो रही है, हम चेक करेंगे, वीडियो का चेक करेंगे, पूरी घटना का देख करके, ये दोनों का थोड़ा कहासुनी हो रहा है, पुलिस थोड़ा हल्का बल प्रयोग करके दोनों का मतलब दूर दूर करने का थोड़ा हल्का बल प्रयोग कर रही है। कितने राउंड की मतगणना हो चुकी थी? और 20 हो चुका है, अभी 12 है, ये होने के बाद हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार फूलपुर का उपचुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, भाजपा या सपा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।